गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम बीएससी थर्ड ईयर कोडेटा बुक है। कोडेटा बुक के अंदर आज हम नेक्स्ट पिछले जो लेसन पढ़ा था हमने बर्ड माइग्रेशन पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट लेसन मैमल्स में अडेप्टिव रेडिएशन से मैमल्स अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स स्तनधारियों में अनुकूली विकिरण हम स्टडी करेंगे। देखो अनुकूली विकिरण एक्चुअल में अगर अडेप्टिव रेडिएशन की बात करें, अडेप्टिव का मतलब था अनुकूलन। अनुकूलन के कारण जीवों के अंदर समय के साथ में होने वाला परिवर्तन। अडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंस इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अर्थात कोई भी एक एंसेस्टर है, ये मान लीजिए कोई पूर्वज है एक, और इस पूर्वज ने समय के अनुसार अलग अलग जीवों का निर्माण हो गया। तो इस एक जीव से समय की मांग के अनुसार अलग अलग जीवों का निर्माण हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, जैसे अगर हम मैमल्स के अंदर बात करें कि एक श्रू था जिसे हम मंजोरू या श्रू, ये कौन था, एक श्रू क्या नाम था इसका, शू या इसको मंजूरू भी कह सकते थे, जिसके पैर छोटे थे, लंबाई में छोटे थे और ये चलने में काम में आते थे। ठीक है, इसे स्टेम्स इन इसमें पादों में अन्य कोई विशिष्टता नहीं थी। इसे स्टेम मैमल्स में आवासीय विभिन्नताओं के अनुसार पादों और अन्य संरचनाओं में रूपांतरण होते चले थे, यानी धीरे धीरे उसके पैरों में रूपांतरण होता गया। ठीक है, कुछ जैसे एक रूपांतरण हुआ, कुछ जीव दौड़ने के लिए अनुकूलित हो गए, कुछ जीव पेड़ों पर लटकने के लिए अनुकूलित हो गए, उसमें और रूपांतरण हुआ, कुछ जीव पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए रूपांतरित हो गए। ठीक है, और रूपांतरण हुआ, कुछ जीव बहुत तेज दौड़ने के लिए अनुकूलित हो गए, फिर और रूपांतरण हुआ तो कुछ जीव उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए, उड़न गिलहरियां आती है। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा रूपांतरण हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि जीव अडप्ट हो गए किसके लिए, जैसे झपट्टे मारने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का इसमें रूपांतरण हो गया समय के अनुसार। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अडप्टिव डाइवर्जेंस इवोल्यूशन। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कोई भी ये है तो इससे कोई चीजें ऐसे फैल जाना है। इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है ये, अडप्टिव रेडिएशन एक तरह से इवोल्यूशन का प्रकार है। इसको हम उद्विकास कह सकते हैं, और वो भी कौन से उद्विकास है, ये डाइवर्जेंस इवोल्यूशन है। वैसे देखा जाए अगर हम मैमल्स की बात करें, अगर मैमल्स की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मैमल्स की उत्पत्ति के सबसे ज्यादा जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस मिले हैं हमें रेप्टिलिया से। देखो मैमल्स की पहले उत्पत्ति मानी जाती थी एम्फीबिया से, ओरिजिन ऑफ द एम्फीबियंस। लेकिन अच्छा, इसकी जो मत दिया था और इसके एडवोकेटिंग जिसने की थी वो था हक्सले 1885 में। 1885 में हक्सले ने इसकी एडवोकेटिंग की थी किसकी,
कि मैमल्स की उत्पत्ति एम्फीबिया से हुई है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिससे यह साबित होता है कि हमारी मैमल्स की उत्पत्ति किसी भी एम्फीबिया से नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम प्रमाण की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो रेप्टिलिया के अंदर एक वर्ग है, रेप्टिलिया का एक रेप्टिलिया जो क्लास है इसके सब क्लास है जिसे सिनेप्सिडा बोलते हैं, रेप्टिलिया की एक सब क्लास है सिनेप्सिडा, कौन सी क्लास है सिनेप्सिडा, और सिनेप्सिडा के अंदर इतने हमें एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, रेप्टाइल से हुई है, सरीसृपों से हुई है। ठीक है, क्रस्टेशियस कल्प के अंत तक विशाल रेप्टाइल्स का बाहुल्य था। ठीक है, धीरे धीरे यानी क्रस्टेशियस पीरियड के अंदर लास्ट में धीरे धीरे जो रेप्टाइल्स थे, बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, वो समाप्त होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जब डायनासोर थे ट्राइसिक जुरासिक पीरियड के अंदर तो उसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसी समय से रेप्टिलिया वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी समय रेप्टिलिया धीरे धीरे अपना प्रादुर्भाव उत्पन्न किया और धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन हुआ। ठीक है ना, देखो अडेप्टिव रेडिएशन मैमल्स में, अगर मैंने अभी बताया था आपको शू, इसमें अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, इसके पैर छोटे थे, इसकी पांच उंगलियां थी, अंगूठा उपस्थित था, गमन बादलचारी था, अर्थात चपटे तलवे के द्वारा गमन करता था। ठीक है, पादों में यानी पैरों के अंदर ऐसी कोई अलग से कोई विशिष्टता नहीं थी, लेकिन समय की मांग के अनुसार धीरे धीरे इसके पैरों के अंदर कुछ बदलाव हुआ और समय के अनुसार कई प्रकार के जीवों का ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। गमन के लिए इसमें चार प्रकार के प्रतिरूप स्वरूप बने, जैसे दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए, बिल खोदने के लिए, वृक्षों पर चढ़ने के लिए क्लाइंबिंग के लिए, उड़ने के लिए फ्लाइंग, और तैरने के लिए स्विमिंग। मैंने आपको चार चीजें बताई, इसमें किस प्रकार का अडैप्टिव रेडिएशन हुआ, जैसे रनिंग के लिए, ठीक है, फिर आता है फोसोरियल, इन बिल खोदने के लिए, फिर आता है क्लाइंबिंग, फिर आता है फ्लाइंग, और फिर आता है स्विमिंग। ये पांच प्रकार के अडेप्टिव रेडिएशन, इस पांच प्रकार की दौड़ने की जो क्रियाएं थी, गमन के लिए जो पांच रूप बने, कि दौड़ने के लिए बिल खोदने के लिए पैर रूपांतरित हो गए, पेड़ों पर चढ़ने के लिए पैर रूपांतरित हो गए, उड़ने के लिए पैर रूपांतरित हो गए, तैरने के लिए पैरों में रूपांतरण हो गया, तो ये इवोल्यूशन है, और वो भी कौन सा इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंस इवोल्यूशन। ठीक है ना, इसमें बदलाव हुए इतने, और ऐसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जीवों का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं तो इसमें अडेप्टिव रेडिएशन शुरू, अडेप्टिव रेडिएशन शुरू लाइक एंसेस्टर, शुरू लाइक एंसेस्टर है, प्रिमिटिव आदिम प्रकार के, प्रिमिटिव, और कौन से प्रिमिटिव है, इंसेक्टिवोरस,
अब इसके अंदर ये सिर्फ चलने के योग्य थे, कौन से थे? चलने के योग्य। अब इसमें धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ समय के अनुसार, जिसे अडेप्टिव रेडिएशन की श्रेणी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे एलिफेंट, एक तरफ एलिफेंट बने जो किसके लिए योग्य थे? वॉकिंग के लिए, चलने के लिए। वन मिनट। हाँ, चलने के लिए, ठीक है। जैसे स्लोथ, स्लोथ की बात करते हैं तो ये था एयरबोरियल हैंगिंग एलिफेंट, ये कहते हैं सॉरी एयरबोरियल हैंगिंग थिंग। पेड़ों के ऊपर लटकने वाले कौन होते हो? स्लोथ, ठीक है। एक फ्लाइंग स्क्विरियल आती है, फ्लाइंग स्क्विरियल उड़न गिलहरी, जो उड़न गिलहरी होती है वो कौन सी क्रिया की तरह उड़ती है? ग्लाइडिंग, एक्चुअली एयरबोरियल ग्लाइडिंग के द्वारा, एयरबोरियल ग्लाइडिंग के द्वारा, ठीक है। ऐसी बैट्स, बैट्स उड़ती है, बैट्स मेमल्स में आती है, ठीक है, चमगादड़। फिर आता है स्क्वेरल गिलहरी, नॉर्मल गिलहरी जो हम देखते हैं गांव के अंदर, इसे बोलते हैं हम स्क्वेरल, इसे बोलते हैं क्लाइंबिंग, जो पेड़ों के ऊपर चढ़ती है, जो पेड़ों के ऊपर क्या करती है? चढ़ती है, एयरबोरियल क्लाइंबिंग बोलते हैं। ये इतना परिवर्तन हो गया, देखो इस यही जीव इतनों में रूपांतरित हो गए, ठीक है। जैसे कंगारू, ये क्या करता है? लिपिंग, ऐसे जंप मारता है। इसी तरह से समय के अनुसार सील मछली, जो भी ये भी एक मैमल्स है, इसके जो पैर थे, पाद थे, इनके अंदर पादों में क्या रूपांतरण हुआ कि वो स्विमिंग के लिए रूपांतरित हो गए, इवोल्यूशन हो गया। तो सील मछली में किसमें रूपांतरित हो गए? स्विमिंग में, ठीक है। ऐसे आपके डियर, हिरण, ये किसके लिए रूपांतरित हो गए? रनिंग हर्बीवोर, यानी शाकाहारी है ये, और शाकाहारी होकर ये दौड़ने के लिए अनुकूलित है। इसी तरह से जो अपने लॉयन आता है या टाइगर आता है या पैंथरमान, वो क्या है? रनिंग करते हैं। किस, ये कौन से होते हैं? कार्निवोर, ये कौन से होते हैं? कार्निवोर, मांसाहारी प्रकृति के, ठीक है। एक आते मोल, जो बिल खोद कर रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फोसोरियल, इसे क्या बोल सकते हैं? फोसोरियल। तो एक तो देखो ये आ गया अपना फ्लाइंग वायर, ठीक है, स्विमिंग टू, रनिंग थ्री, फोसोरियल फोर, ठीक है। कितने हो गए अपने पास में? फोर हो गए। एक मैंने आपको बताया था क्लाइंबिंग के लिए भी होता है, फ्लाइंग हो गया, वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, एयरबोरियल,
फाइव, इसे बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, ठीक है ना। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन आपका जो लेसन है वो है, मतलब कोई भी एंसेस्टर, कोई भी पूर्वज जिसमें समय के साथ में वो अलग अलग दिशाओं के अंदर वो इवोल्यूट हो गया। यहां पर हम शिव की बात की हमने, शिव एक एंसेस्टर है जिसमें समय के साथ में वो पेड़ों पर लटकने के लिए रूपांतरित हो गया, उड़ने के लिए रूपांतरित हो गया, बैट्स के रूप में रूपांतरित हो गया, छड़ने के लिए रूपांतरित हो गया, जंप मारने के लिए रूपांतरित हो गया, तैरने के लिए रूपांतरित हो गया, तेज दौड़ने के लिए रूपांतरित हो गया, और बिल बनाकर रहने के लिए रूपांतरित हो गए उसके पैर। तो ये एक पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। इसे मैंने आपको फिर बता रहा हूं, इसे हम डाइवर्जेंस इवोल्यूशन भी कहते हैं। एक होता है कन्वर्जेंस इवोल्यूशन मैमल्स में, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन में होता है कि अलग अलग जीव जिनमें किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट सामान्य या समान संरचना पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का अगर बात करें, विभिन्न जातियों के तथा दूर से संबंधित जंतुओं में एक जैसे समान एनवायरमेंट में रहने के लिए समान आकारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अतः ये समान दिखाई देने लगते हैं। यही इन्हें इनके आंतरांगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स कार्यकी में यानी फिजियोलॉजी में अनेक समानताएं पाई जाती है, और इसी घटना को अडेप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं। यानी अलग अलग जातियां या दूर से संबंधित जातियां जो एक सेम एनवायरमेंट में रहती है, क्या रहती है, एक सेम एनवायरमेंट में रहती है, तो उनके अंदर वहां पर अडेप्ट होने के लिए कुछ कार्यों में और कुछ संरचनाओं में एक समान संरचनाओं का विकास हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस अडेप्टिव रेडिएशन या अडेप्टिव कन्वर्जेंस बोलते हैं। अनुकूली अभिसरण कहते हैं इसको। जैसे अनेक जंतु जो जल में रहते हैं या उसके जो निकट संबंधी नहीं है किंतु समान लक्षण रखते हैं, जैसे अस्थिल मछलियां, उपास्थिल मछलियां, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, सील जो स्तन मैमल्स में आती है, वेल मछली जो मैमल्स में आती है, इन सभी और सभी के अंदर धारा रेखित बॉडी पाई जाती है, और मछली के समान इनके सबकी आकृति पाई जाती है, और पतवार के समान इनमें पाद पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक सामान्य लक्षण प्रकट करते हैं, जो किसको प्रदर्शित करते हैं, अडेप्टिव कन्वर्जेंस इन मैमल्स को, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब समान है और निकट संबंधित हैं। तो ये दो प्रकार का अडेप्टिव रेडिएशन होता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस का एग्जांपल है जो अभी मैंने बताया, दूसरा वह कन्वर्जेंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन हम डेंटिनेशन पढ़ेंगे, किसमें जो स्तनधारी इनमें है, इनमें दांत किस प्रकार से पाए जाते हैं, उसके हम स्टडी करेंगे। जय हिंद।